नमस्कार, स्वागत सभी का। छोटा लंबा सा वीडियो है, CUET को लेकर है, और पिछले 8-9 महीनों में ये पांचवा वीडियो मैं बना रहा हूँ उस विषय को लेकर। 26 दिसंबर 2021 को पहला वीडियो मैंने बनाया था और 27 मार्च 2022 को दूसरा और 1 अप्रैल 2022 को तीसरा वीडियो बनाया था, और छोटे छोटे Q&A कई बार कर चुका हूँ। वो सभी के लिंक मैं आपको दे दूंगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ताकि आपको डिटेल में ये CUET है क्या सारी जानकारी मिल जाए। लेकिन उसके बावजूद भी आपके मन में कोई ना कोई सवाल तो रह ही जाएगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति, कोई भी वीडियो, कोई भी संस्थान, कोई भी माध्यम सभी के सभी सवालों का जवाब दे सके ये संभव नहीं। तो आपके कुछ सवाल आए थे, उनको लेते हैं और बात करेंगे CSAT की थोड़ी बहुत, जो नए अपडेट आए हैं उसको लेकर। पहली बार जब फॉर्म आया था 6 अप्रैल को या 4 अप्रैल को वेबसाइट पर, तब 40 से 45 यूनिवर्सिटियाँ थी इसके अंतर्गत, और जब आपसे आज बात कर रहा हूँ तो 45 से बढ़कर यूनिवर्सिटी की संख्या हो गई है 66, जिसमें से 22 आपके स्टेट हैं या अदर्स यूनिवर्सिटी हैं, और लगभग 46 के आसपास सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, घबराइएगा। दूसरी बात, यदि आप 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, प्राइवेट से हैं, डिस्टेंस से हैं, NIOS से हैं, इग्नू से हैं, कहीं से भी आपने 12th किया है या कर रहे हैं, तो आवेदन इसमें ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि CUET इस बार केवल और केवल ग्रेजुएशन कोर्सेज में लागू हो रहा है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। किसी प्रकार का PG कोर्स और किसी प्रकार का रिसर्च का कोर्स शामिल नहीं है, इस बात को जहन में बैठा लीजिए। दूसरी बात, आपको एक ही फॉर्म भरना है, और एक ही फॉर्म में आप चाहें तो 10, चाहें तो 20, चाहें तो 30, कितनी भी यूनिवर्सिटियों का चयन कर सकते हैं, और आपको फ़ीस केवल एक ही फॉर्म की देनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको BHU, JNU, DU, हैदराबाद या कलकत्ता, ये 5 यूनिवर्सिटी के फॉर्म भरने हैं, तो आप 5 फॉर्म भरेंगे और 5 की अलग अलग फ़ीस होगी इस बार। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, CUSAT का फ़ायदा यही है, एक ही यूनिवर्सिटी में आप कई विषयों में और कई यूनिवर्सिटियों का फॉर्म भर सकते हैं, और फीस केवल आपको एक बार देनी है। एग्ज़ाम भी एक होगा, काउंसलिंग बिल्कुल अलग अलग होगी, काउंसलिंग की फ़ीस भी अलग अलग होगी, और काउंसलिंग के लिए डेट्स भी अलग अलग आएंगी। लेकिन काउंसलिंग का प्रोसेस तब स्टार्ट होगा आपका, जब आप एंट्रेंस क्वालिफाई करेंगे। यदि आपने एंट्रेंस क्वालिफाई ही नहीं किया तो आप काउंसलिंग की बात को भूल जाइए। और एक और बात आई थी एंट्रेंस का माध्यम, एंट्रेंस का माध्यम 13 भाषाओं में लिया जाएगा, यानी कि एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, बल्कि 13 राज्य की भाषाओं में या 13 उन लैंग्वेजेस में जो ऑप्शनल दिए हैं, 27 लैंग्वेजेस, उसमें से किसी भी 3 भाषा का आप चयन करिएगा जिसमें आपको पेपर आप देना चाहते हैं। एक और सवाल आया कि पेपर ओनली फॉर इंग्लिश होगा या हिंदी होगा। दोनों ही लैंग्वेज में पेपर होगा, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, और यदि आप चाहते हैं किसी तीसरी लैंग्वेज में आपका पेपर हो, तो जो आपका सेकंड वाला पोर्शन होगा डोमेन सेक्शन का, जिस डोमेन में 27 सब्जेक्ट की लिस्ट दी है, जिसमें से आपको केवल 6 सब्जेक्ट का चयन करना है, उनका पेपर का माध्यम आप चाहे तो हिंदी, चाहे तो इंग्लिश, चाहे तो मराठी, किसी भी भाषा में प्राप्त कर सकते हैं जब आप अप्लाई करेंगे फॉर्म को, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और बात, यदि आप फॉर्म खुद नहीं भरते हैं, किसी साइबर कैफ़े वाले से भरवाते हैं, या किसी अपने मित्र से या अपने गार्जियन से भरवाते हैं, तो याद रखिएगा सब्जेक्ट का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, क्योंकि जब आप 27 सब्जेक्ट की लिस्ट का देखेंगे वेबसाइट पर, वहाँ आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट आपको मिलेंगे जो आपने पढ़े ही ना हो 12th में। क्योंकि यदि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो हो सकता है आपने सोशल साइंस को उस तरीके से ना पढ़ा हो, या आप आर्ट्स के रहे हैं तो आपने साइंस के सब्जेक्ट को ना पढ़ा रहा हो। यदि आप इंजीनियरिंग के या इलेक्ट्रॉनिक के छात्र रहे हैं, तो हो सकता है आपने मास कम्युनिकेशन को उस बेहतर तरीके से नहीं पढ़ा हो। तो इस कंडीशन में इस बात का ध्यान रखिएगा, जो आपने नहीं पढ़ा है उस सब्जेक्ट का चयन भी आप कर सकते हैं, जो आपने सब्जेक्ट नहीं पढ़े हैं उन सब्जेक्ट का चयन भी आप कर सकते हैं अप्लाई करते वक्त में। और जिन 6 सब्जेक्ट का चयन आप करेंगे, जिन भी 6 सब्जेक्ट को आप चूज़ करेंगे, उसी में से आपसे सवाल किए जाएंगे, जिनकी संख्या होगी 60, जिसमें से 50 सवाल आपको करने हैं। एक सवाल और आया कि क्या किसी प्रकार की कोई नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। जी हाँ बिल्कुल, एक सवाल गलत होने पे 1 नंबर की नेगेटिव मार्किंग रखी गई है, और सही सवाल होने पर आपको 5 नंबर प्राप्त होंगे। तो इसीलिए बहुत ध्यान से सवाल कीजिएगा। सभी सब्जेक्ट का मैं सिलेबस का लिंक तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन ये सारे सब्जेक्ट का लिंक एक ही वेबसाइट पर कहाँ से मिलेगा उसका लिंक मैं आपको दे दूंगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट ओपन कर लीजिएगा। और फिर से मैं कह दूँ, जो बच्चे 12th कर चुके हैं या 12th कर रहे हैं, सभी आवेदन कर सकते हैं।
चाहे आपकी ट्वेल्थ की परीक्षाएं हुई हो या ना हुई हो, चाहे ट्वेल्थ का रिजल्ट आया हो या नहीं आया हो, आवेदन कर सकते हैं। यदि किसी बच्चे का प्री बोर्ड में नंबर कम आए हैं तो भी दिक्कत की बात नहीं है, तो भी आवेदन कर सकता है। एक और बात जो नया बदलाव हुआ है इस बार इंडिया में, कि कई राज्यों में खासकर ये जो शहरी वर्ग के स्कूल होते थे, यूनिवर्सिटियाँ होती थी, उसमें बच्चों को अच्छे नंबर मिलते थे 80s 90s। तो इसका खामियाजा ये होता था कि बहुत से विश्वविद्यालयों की कट ऑफ 90 95 100 पे ओपन होती थी, जैसे कि SRCC कॉलेज, लेडी श्रीराम कॉलेज, SRCC DSSC, इन सभी कट ऑफ 100% पर क्लोज हो जाती थी, स्टीफन जैसे कॉलेज। तो उससे बचने के लिए और जिन बच्चों के 90s 80s 70 नंबर आए हैं, उन बच्चों को भी अच्छे संस्थानों में पढ़ने का मौका मिले, उसी के मद्देनजर ये CUSET लाया गया है। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जिन बच्चों के हो सकता है ट्वेल्थ में नंबर कम आए हों या लगता हो नंबर कम आ सकते हैं, पढ़ाई कम हुई, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस बार के एडमिशन प्रक्रिया में। क्योंकि यदि आपने CUSET में 80 70 90 जितने भी नंबर लेके आएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपकी मेरिट बनेगी और उसी के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन दिया जाएगा। अब फ़ायदा उन बच्चों को नहीं होगा जो कोचिंग से या रट्टू तोते की तरह 90s 80s नंबर ले आते थे ट्वेल्थ क्लास में और उनको मनचाहा कॉलेज मिल जाता था, कॉम्पिटिशन्स या मेरिट का थोड़ा झोलझाल हो जाता था। इसीलिए CUSET को लाया गया है कि सभी बच्चों को समान रूप से मौका मिले और ये कॉमन एंट्रेंस सभी को देना है, सभी यूनिवर्सिटीज़ में लागू है। फिर से मैंने कह दिया है कि जब आप फॉर्म भरेंगे तो तब आपके सामने 66 यूनिवर्सिटीज़ के नाम आएंगे 66, जब मैं ये अपलोड करूँगा वीडियो, क्योंकि 21 अप्रैल तक 62 यूनिवर्सिटियाँ थी और पिछले 4 दिनों में 4 और यूनिवर्सिटियों ने अपना अप्रूवल दे दिया है, इंक्लूडिंग विश्व भारती जो कि कलकत्ता में है। इस बात का ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे यूनिवर्सिटियों की संख्या बढ़ रही है और यूनिवर्सिटी का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा, कोर्स का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा। आपके मन में कोई डाउट हो, शंका हो, सवाल हो, डायरेक्ट मुझे कॉल या मेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में उसका ऑप्शन ओपन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और पहली बार हो रहा है पेपर तो याद रखिए कोई पुराने क्वेश्चन पेपर मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी जो चारों कैटेगरी हैं एंट्रेंस की, एंट्रेंस को 4 पार्ट्स में बांटा गया है, लैंग्वेज कैटेगरी 1, लैंग्वेज कैटेगरी 2, आपका डोमेन और GK, चारों ही पोर्शन में नेगेटिव मार्किंग है और चारों ही पोर्शन में लगभग आपको 160 से लेकर 180 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर मिलेंगे। CBT मोड पर पेपर होगा और सिलेबस बहुत ईजी है, NCERT के बेस पर ही होगा, MCQ होगा, हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में होगा। और बस पहले ट्वेल्थ के पेपर दे लीजिए अच्छे से, जो कि 2 मई से स्टार्ट हैं और लगभग आपको जुलाई के फर्स्ट वीक में इसका एंट्रेंस देना है। तो जुलाई के फर्स्ट वीक में तो लगभग आपको 1 महीने का समय है, क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है, उस सिलेबस की डिटेल में जानकारी प्रोस्पेक्टर में मौजूद है और लगभग 110 पेज का प्रोस्पेक्टर है, 10 पन्नों को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, खासकर यूनिवर्सिटीज़ सब्जेक्ट और डोमेन वाले पोर्शन को आपको दिक्कत नहीं होगी। और फिर भी कोई प्रकार का किसी प्रकार का कन्फ्यूज़न है आपके मन में, जहन में, दिमाग में, यदि वीडियो को बच्चे देख रहे हैं, यदि उनके माता पिता या पेरेंट्स देख रहे हैं, यदि आपके छोटे बड़े भाई बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, और वीडियो में दी गई सूचनाओं को लेकर आपकी कोई भी आपत्ति हो, कोई भी डाउट हो, फौरन अभी कमेंट कर सकते हैं और हम पूरा कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब देने का। अगली सूचना के साथ मिलता हूँ बहुत जल्द, और लास्ट के वीडियो को मैं सभी के लिंक आपको दे दूँगा, हो सकता है उनसे भी आपको कुछ फ़ायदा हो जाए। सलाम।